जो ओनर था, जो मालिक था, वो आ गया। तो उन्होंने बताया कि इस महीने के जो एंड में, मतलब 26-27-28 डेट को यकीनी आई। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शुक्रिया। तो भाई साहब अगेन बंदा आज एक नए व्लॉग में, तो विदाउट एनी डिले शुरू करते हैं अपना आज का व्लॉग। जी तो भाई साहब अभी मैं बाज़ार जा रहा हूँ, पब्बी बाज़ार, और वहाँ पर एक शॉप है पब्बी सर्विस सेंटर का, इस नाम से है, तो मैं अभी वहाँ पर जाऊँगा। फिर बात ऐसी है कि पिछले साल नवंबर के महीने में मैंने जो अप्लाई किया था इम्प्रूवमेंट के एग्ज़ाम के लिए, तो मैंने 3600 रुपये जमा किए थे उस टाइम। तो आज हम पता करेंगे कि आखिर अब तक मुझे वो मैसेज क्यों नहीं आया कि आपका जो रोल नंबर स्लिप है वो आया या नहीं। तो अभी हम ये पता करेंगे और चलते हैं अभी। जी तो भाई साहब अभी मैं जा रहा हूँ पब्बी सर्विस सेंटर, जो कि एक शॉप है, और उसका काम बेसिकली ये है कि वो ऑनलाइन फॉर्म जमा करता है और जितने भी जो ऑनलाइन काम होते हैं तालीम के लिए, हाथ से तालीम के हवाले से, और जितने भी जो होते हैं ऑनलाइन वो सब कराते हैं वो काम। तो ये आप लोग मेरे हाथ में देख सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरे सेकंड ईयर में जो मार्क्स थे वो कम आए हुए थे, तो इसलिए मैंने दोबारा इम्प्रूवमेंट के लिए अप्लाई की। तो नवंबर के महीने में मैंने वो फॉर्म जमा किया था, तो अभी तक उसका कोई रिस्पांस नहीं आया, कोई मैसेज नहीं आया। तो आज मैं वो कंफर्म करूंगा और अभी मैं जा रहा हूँ कि कोई मसला है या फिर पता नहीं क्यों मुझे मैसेज नहीं आ रहा, तो आज वो कंफर्म करेंगे और अभी मैं जा रहा हूँ वहाँ, तो देखते हैं क्या होता है। आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और सूरज भी काफ़ी तेज़ है, तो ये भी 5 बज रहे हैं असर के, और इतना धूप नहीं था पहले जब मैं घर से निकला आया। मैं इससे मतलब इसके बाद भी जा सकता था 6 बजे या 7 बजे जब सूरज ढल चुका होता, लेकिन फिर मुझे एक ज़रूरी काम था, तो मैंने सोचा कि चलो पहले इस काम को निपटा लेते हैं तो फिर बाकी काम करेंगे। खबर फार्म कंफर्म नवंबर गर्मी।
जी तो भाई साहब पता चल गया, और पहले तो वो शॉप जो था वो बंद था, लेकिन बाद में उसका जो ओनर था, जो मालिक था, वो आ गया। तो उन्होंने बताया कि इस महीने के जो एंड में, मतलब 26-27-28 डेट को यकीनी आई आपका रोल नंबर स्लिप। सो आप बेफिक्र रहें, कोई मसला नहीं होगा। तो मैंने उसको बताया कि चलो कन्फर्म है, तो बस इससे अच्छी कौन सी बात होगी। तो मैंने उसको बताया कि चलो अच्छा है। मैंने ये भी पूछा कि कन्फर्म है, कोई मसला तो नहीं होगा। उन्होंने बताया कि कोई मसला नहीं होगा, और अगर मसला होता तो हम आपको पिछले साल नवंबर के महीने में ही कॉल करते। आप बेफिक्र हो जाएं और कोई मसला नहीं होगा, फिक्र ना करें। ओके, और पेपर्स के लिए तैयारी करते रहो बस। तो अभी मैं वापस घर जा रहा हूँ, और गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर से धूप से बचेंगे और छाँव में कोशिश करेंगे कि छाँव में ज़्यादा चले। तो आज से पेपर्स की तैयारी शुरू, और ब्लॉग को टाइम देंगे। हर रोज़ ब्लॉग आएगा, हर रोज़ ब्लॉग अपलोड करूँगा, लेकिन उसके साथ साथ ज़्यादा टाइम जो है वो पेपर्स को दूँगा। तो कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट देंगे आगे अल्लाह की मर्जी। तो अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए हमेशा, और कुछ कर भी नहीं सकते। जी तो भाई साहब गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए आप लोगों को भी मैं सजेस्ट करूँगा कि ज़्यादा धूप में ना घूमें और कोशिश किया करें छाँव में बैठने की। तो अभी आज का जो व्लॉग है इसको हम यहीं पर ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना, अपनी फैमिली का, और उससे बढ़कर अपनी सोसाइटी मेम्बर्स का बहुत सारा ख्याल रखें। जाने से पहले एक बात, एक रिक्वेस्ट, कि मेरी जो इंस्टा आई डी है उस पर आप मुझे ज़रूर फॉलो करें। तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।